रेलवे विभाग में लगातार चोरी हो रहे सामान को लेकर आरपीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पारदी गैंग सदस्य सहित माल खरीदने वाला कबाड़ी भी पकड़ाया। 50,000 से अधिक का तांबे का वायर पुलिस ने जब्त किया। आपको बता दें, रेलवे विभाग का कई दिनों से सामान चोरी हो रहा था। आरपीएफ टीम को सूचना मिली थी कि ताजपुर में कबाड़ी अनीस के यहाँ पारदी गैंग के सदस्य कुलदीप, सुनील और कलाबाई नामक तीन लोग रेलवे से चुराया हुआ तांबा बेचने के लिए आए हैं। टीम ने छापेमारी की तो तीनों आरोपी सहित माल खरीदने वाले कबाड़ी अनीस को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 90 किलो तांबा वायर जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि गैंग से कुछ और खुलासे होने की संभावना है। उज्जैन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सर बताइए, कुछ माल बरामद हुआ कुछ लोगों से, क्या मामला पूरा? आज दिनांक 18/7/19 को हमें मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि दो तीन लोग एक छकड़ा रिक्शा पर कुछ रेलवे का माल लेकर मक्सी रोड के साइड में घूम रहे हैं। जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई, हमने एक टीम बनाकर उनको ऊपर दबिश दिया। ताजपुर रोड के पास एक छकड़ा रिक्शा मिला जो मुखबिर ने सूचना दी थी, उसी के हुलिया अनुसार उनका हुलिया था, तो उनको चेक किया गया तो उनके पास रेलवे के ओएचई जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है उससे संबंधित 30 किलो रेलवे का लोहा पाया गया। फिर उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फतेहाबाद रेलवे स्टेशन, इंदौर फतेहाबाद रूट का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, वहाँ पर रख के रेलवे के स्टोर से उन्होंने लोहा चुराया और उसको बेचने के लिए ताजपुर जा रहे थे। फिर उनकी निशानदेही पे हम वहाँ आरोपी से भी गए, उन्होंने पूर्व में भी 60 किलो लोहा भेजा था, उसको भी जब्त किया गया। इस प्रकार कुल 90 किलो लोहा, इसकी मार्केट वैल्यू 350 रुपये के हिसाब से 31,500 रुपये होती है, वो जब्त किया गया और इस प्रकरण में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। ये लोग मूलतः पारदी समाज से हैं, जिनका पैसा ही चोरी करना है और रेलवे के ट्रैक के किनारे पन्नी बीनने के बहाने ये आते हैं और रेलवे के लोहे को जो रेलवे के यूज के लिए रखे जाते हैं उसको भी लेते हैं।